कैसे जा रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे जा रहे हैं। देखो कैसे पांच पांच निकल के जा रहे हैं, अगर एक भी कुछ ऐसा वैसा हो गया ना, मतलब गाड़ी थोड़ी बहुत ही भी घूम गई, बैलेंस बिगड़ जाएगा, और बैलेंस बिगड़ा तो बेटा सब रगड़े जाएंगे। मेरा तेरी आंखें निकाल रही है, इसको भूख लगी हुई है, इतनी इतनी भी कितनी भूख लगी हुई है, सारा दिन भेजा खाती रहती है। बात क्या है कि ना, हम सोच रहे थे चलो आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, चलो भी अच्छे मौसम करके भी चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं, आउटिंग कसौली कसौली तक घूम के आइए, माड़ा जा गेड़ा गोड़ा लग जाएगा। तो सलाह सी बना रहे हैं, बट यार मतलब दो दिल अच दिल होया पे, अभी जाइए ना जाइए कुछ नहीं, जाऊँगे तो हैं जब तक वीडियो अपलोड होनी उद तक तुम कमेंट कर दे, लेट हो जाएगा। हाँ बाकी आप सलाह बना रहे भी आप जा रहे चलते हैं, मतलब सोचता रहे हैं, बाकी थोड़ा देर कर लिए प्लान है ना, तो आप इदा ही बस इतों ऑफिस तो ही बस निकल जाना, अपने ऑफिस बैठे से ऑफिस तो ही फिर दी घंटी तो वो खड़ी अपनी बीमर। ओके लेट्स गो। सो भाई फाइनली हम निकल चुके हैं, पर मन्नत अभी तक मतलब कि हो रखा था कि जाए या ना जाए, मतलब दिक्कत आप मेनली जा रहे हैं, बारिश का मौसम हो रहा था, मैंने लग रहा था भी बारिश होएगी, बट चांसेस ज्यादा तक लग रहा है, धूप भी निकल रही है बीच में, तो बड़ा पंगा जा पड़ रहा है, पड़ रहा है। अभी देखते हैं, जा तो रहे हैं हम चंडीगढ़ की तरफ, अभी देखते हैं अगर हम पहुंचते हैं वहां पे या नहीं। एक नए रास्ते से आज कसौली लेके चलती हूँ आपको। नहीं वहाँ से नहीं जाना है। ज्यादा एडवेंचर, वहाँ से पिछली बार गए थे तो बड़ा ही एडवेंचर हुआ था, मतलब जंगली सा इलाका, बट मैं दिखाना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ वो रास्ता ना अपने व्यूअर्स को, अपने फ्रेंड्स को, कतई भयानक था वो। चलो ठीक है, थोड़ा आगे जाके देखते हैं क्या प्लान बनता है। हाँ क्या करे यार, कितना टाइम हो गया, हमें एक घंटे से ऊपर हो चुका है और एयरपोर्ट रोड के ऊपर ही फंसे हुए हैं, यहाँ से निकल ही नहीं हो रहा अभी, शाम के टाइम ट्रैफिक हो जाता है ना, ट्रैफिक इतना हो रखा है, और कहने को तो ये मतलब जैसे वो है, कैसे कहते हैं, कहने को तो जैसे मतलब ये है कि एयरपोर्ट रोड है, पर एयरपोर्ट रोड पे इतना लाइट इतनी है, नाजायज लाइटें है ना, बंदा करे तो करे क्या इस चीज, इससे डर नहीं होने का। ऐसे ही है ठीक है, बंदे के अगर फ्लाइट भी हो ना, बंदा वैसे ही लेट हो जाए, इधर घुमा के दिखा दूं मैं, बुरा हाल है, ट्रैफिक इतना है ना इस टाइम पे, और बुरा हाल है, क्या होता है, बस जाए जा रहे हैं, बस की बस भगवान के भरोसे, चलो हमें देखो कोई रोक नहीं सकता, बात देखो कब पहुंचेंगे। तो गाइस हम ट्रैफिक से बाहर निकल चुके हैं, पंचकूला क्रॉस करने वाले हैं फाइनली, तो ट्रैफिक देख सकते हो अभी भी साइड पे कितना है, आने जाने वाले उधर वाली साइड कितनी फुल हो रखी है, अरे हमारा थोड़ा ट्रैफिक इस टाइम कम है क्योंकि यहाँ से हम इस टाइम घर पर लोग जा रहे हैं, मतलब घर पर चले चुके, सामने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ दिखने शुरू हो चुके हैं गाइस, बड़ा पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं, और ये देखो ये ऐसे लोग सीधे ही आ जाते हैं कि देखते भी हमारी लाइन में कोई गाड़ी भी आ रही है। चलो आगे जाके आपको पहाड़ों का व्यू दिखाते हैं, और पास जाके फिर हम करते हैं, अभी हम पंचकूला क्रॉस कर रहे हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा, 15-20 मिनट में, मतलब 15 मिनट में हम स्टार्टिंग हो जाएगी पहाड़ों में। सो गाइस यहां से ना मतलब कि पंजाब और सॉरी पंजाब का नहीं, हरियाणा का, पंजाब का वैसे लिंक होता है, पर हरियाणा के अंदर से एंट्री हो जाती है यहाँ से ना हिमाचल के लिए, तो हिमाचल और हरियाणा का बॉर्डर था, यहाँ से पहाड़ शुरू हो जाते हैं, पूरा हिली एरिया स्टार्ट हो जाए, देख सकते हो, और रोड बहुत अच्छे बन चुके हैं, वाइड रोड है, डबल रोड बने हुए हैं, और व्यू देखो मस्त है बिल्कुल, एकदम मजा आ जाएगा देख कर ना, ओह माय गॉड सीरियसली, जिंदगी का मजा तो खट्टे में है क्या ना, पहाड़ों में है। बाकी बहुत मस्त चल रहा है, वो देखिए आपके पहाड़ आपको दिख जाएंगे, लाजवाब है, बेहतरीन, ये देखो लोग लोग कैसे जा रहे हैं, मतलब कैसे कैसे जा रहे हैं, एक तो ट्रक लोड बहुत ज्यादा हो जाता है, ट्रक जब ज्यादा हो जा रहे हैं ना, पर मुश्किल हो जाती है, वो देखो कैसे पांच पांच निकल के जा रहे हैं, अगर एक भी कुछ ऐसा वैसा हो गया ना, मतलब गाड़ी थोड़ी बहुत भी घूम गई, बैलेंस बिगड़ जाएगा, और बैलेंस बिगड़ा तो बेटा सब रगड़े जाएंगे। चलो आगे जाके बनाते हैं बाकी का। गाइस हम पहुंच चुके हैं जी यहाँ पे, हाँ रास्ते आपको दिखाया ना, हमारे पीछे वो पहाड़ रहे, अपनी बीमर रही,
ठीक है, और वो मेरी बारी रही कुछ नहीं तो मतलब एरिया मस्त और मतलब हवा क्या कहूँ, इस टाइम मौसम इतना गजब हो रखा है ना, क्या बात है। लग रहे हैं यार, मैं क्या करूं, मैं बार बार दिखाने का मन कर रहा है मेरा, ये आंखें निकाल रही है, इसको भूख लगी हुई है, इतनी इतनी भी कितनी भूख लगी हुई है, बहुत लगी है, सारा दिन भेजा खाती रहती है, मेरा भी भूख लग रही है यार, मैंने सोची वो आज रोक लो, इतने रोक लो यार, यहां चलो देख लेते हैं कुछ मैगी पॉइंट है, कुछ देखते हैं खाने के लिए, ये थोड़ा सा वो दूसरा आ गया मेरे ख्याल से, कुछ कुछ खाने के लिए भी मिलेगा शायद, कुछ पीने के लिए देखना है तो बताओ, नहीं डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव हम कभी सजेस्ट नहीं करेंगे, तो गाइस आगे चलते हैं, चलो क्या व्यू है, अच्छे आ रहे हैं, मतलब मजा आ रहा है, बड़ी टेस्टी मिलती है इत्थे, ये मैगी ठूस रही है देख, पकड़े पकड़े मैगी को, मतलब इस गाड़ी में ना एक चीज ये बड़ी बढ़िया है, फीचर वैसे सारे ऑलमोस्ट सारे ही बढ़िया है, कोई नेगेटिव फीचर मेरे ख्याल से तो है ही नहीं, ठीक है वो थोड़ा सा हो जाता है बट अदरवाइज देखा जाए तो गाड़ी में फीचर बड़े मस्त हैं यार, इतनी स्टेबिलिटी है मोड वगैरह पे, इतनी स्टेबिलिटी है कि गाड़ी बिल्कुल भी मतलब झूलती नहीं है, बस बस चीज प्लेट बस, पड़ी है तो पड़ी है, इसको गाड़ी की तारीफ करनी होती है बस हमेशा, गाड़ी ऐसे गाड़ी वैसे, क्या कहें लड़कियों क्या पता, लड़कियों को सब लड़कियों को अपने लिपस्टिक पहनती है कुछ पता चलता नहीं, शट अप, मेकअप के अलावा और क्या, बाकी भैया मस्त है, कोई एरिया में कोई दबाव नहीं गाड़ी में, कोई कुछ नहीं, और मस्त चल रही है, बस हल्की सी रेस दे और भागी उड़ गई, बस ये तो जैसे अभी कहते आसमान में बातें करने के लिए जा रही है, बस वो चीज है, ऊंची बोल ले अगर ऊंची, अरे उसमें सेटिंग में लाउड कर देगी ना ज्यादा ऊंची, जोर के क्या बोलना करना, तुसी अपना स्पीकर बताओ, पकड़ियो लाइट ऑन करें, हैं यहाँ पे भाई, ये टूल नाका जरूर आता है, ये थोड़े से जाली सा बंदे हैं, पर कोई बात नहीं पैसे देने पड़ेंगे, बिना पैसों के जाने नहीं देते फिर अपने को, अरे भाई बाहर बारिश देखो कितनी हो रही है, बाहर पूरी बारिश चल रही है, मतलब जब जब हम आते हैं ना इधर इस साइड बहुत बारिश होती है, हम यहाँ सुंदरम पे आए थे बट यहाँ पे ना मैडम को लबा पड़ी चाट खानी थी पर वो नहीं मिली, तो यहाँ से जा रहे हैं अभी निकल चुके हैं, खानी वही है, चलो बाकी आगे जाके देखते हैं। दोस्तों ये है कसौली वाला रास्ता, कसौली के लिए हम टर्न कर चुके हैं और देखो बारिश हो रही है और वाह क्या नजारा है, नीचे पूरा शहर दिखाई दे रहा है, ये देखो हम काफी ऊंचाई पे हैं, यहाँ पे नीचे पूरा शहर दिखाई दे रहा है और बारिश का काफी अच्छे अच्छे होटल्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, इस टाइम पे भी अगर रात के टाइम पे भी आते हो तो सब कुछ ओपन ही होता है 12-1 बजे से पहले, तो दोस्तों आगे हम देखते हैं हमें क्या मिलता है, यहाँ पे होटल लिया कसौली में बड़ा मतलब ठीक है अच्छा उसमें मिल गया हमें,
इतने इस टाइम पे भी इतना रश है ना यहाँ पे कि क्या बताएं आपको, इतना क्राउड इतना हो रखा है यहाँ पे। मेनली हमें चाहिए था बालकनी वाला, तो बालकनी यहाँ पे अच्छी खासी बालकनी मिल गई है, बताता हूँ आपको। ये बालकनी का स्पेस रहेगा मेरा, तो बाहर का व्यू देखो आप, बिल्कुल मस्त। बिजली लश्करी है भाई, कहाँ पे गिरेगी कुछ नहीं पता। मस्त है बिल्कुल, बम्प इस टाइम। कसौली के अंदर इतना बारिश हो रही है ना, और मौसम इतना ठंडा हो चुका है क्या बताऊँ। यहाँ पे अभी आपको मतलब अंधेरे में नहीं दिखेगा कुछ भी शायद, बट इतना गैस लगा सकते हो, बारिश की आवाज़ तो जरूर आ रही होगी। कुछ भी नहीं दिखना यहाँ पे, तो इतना बारिश में इतना वो हो रखा है, वो बिजली लश्क रही है और पूरी मौसम बिल्कुल गलत है, कुछ नहीं दिख रहा भाई। मजा फुल पैसा वसूल, जिस रुक के क्या करने आए थे भाई, बारिश की वजह से आए थे कि बारिश होगी, मजा आएगा, ठंडा मौसम वहाँ पे अपने प्लेन एरिया में इतनी गर्मी हो रखी है इस टाइम, और यहाँ आके तो मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। सुबह हम उठ चुके हैं, अभी उठने के बाद का व्यू दिखाते हैं आपको। वाओ यहाँ पे आज की बारिश दे रखी है कि वेदर के अकॉर्डिंग की बारिश आएगी, बट अभी पता नहीं कि आएगी या नहीं आएगी, पर मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, अभी ठंडा हो रखा है। एंड द मेन थिंग इज व्यू, व्यू खतरनाक है भाई यहाँ का, बहुत ज़बरदस्त। सो गाइस हम चेकआउट कर चुके हैं, और ये हमारे बिमर खड़ी है, और यहाँ का भी वेदर बहुत अच्छा है, क्या व्यू है, मस्त बिल्कुल, मज़ा आ गया यार, बढ़िया है। आई लव हील्स, एक बार चेकआउट करते हैं। चेकआउट कर चुके हैं अभी, सारा कुछ बिल वगैरह क्लियर कर दिया था, अभी वहाँ देखो फोटोग्राफी चल रही है, बाकी हम चलेंगे यहाँ से। ये हमारा होटल था, अच्छा होटल था, 3 स्टार 4 स्टार शायद, बाकी बढ़िया रहा। रात बारिश बहुत हुई, इतनी बारिश थी कि क्या बताएं, बहुत ज़्यादा बारिश थी। वेदर देखो यहाँ का यार, मस्त है बिल्कुल। छोटू क्या कह रहे छोटू, ओह वाह, चलें लेट्स गो। 1 घंटे में अभी हमने मोहाली भी पहुँचना है, नहीं जाना तो रह सकते हैं, चलो चलते हैं। ओके चलो लेट्स गो, चलें डन। गाइस फाइनली हम वापस जा रहे हैं, वापस पहुंचने वाले हैं, ऑलमोस्ट आधे घंटे का ट्रैवल मतलब डिस्टेंस रह गया आधे घंटे का, तो बहुत बढ़िया रहा। बाकी आपसे एक बात करनी है कि हाँ, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो हम इससे भी बढ़िया बढ़िया ब्लॉग बनाएंगे, तो ये तो जस्ट एक वैसे छोटा सा शॉर्ट ब्लॉग था। हाँ अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा, और आगे के लिए भी हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी, और कुछ और क्या चीज़ लेके आए हैं, ठीक है आपके लिए कि आपको अच्छा लगे, बाकी ये चीज़ें जरूर बताना, बाकी इस चीज़ को लाइक जरूर करना। इधर को घुमा ले बेटे, ऐसे ऐसे मैं इधर मैं कैमरा मैन नहीं है तो ठीक है, तो क्या चीज़ हम और मतलब कर सकते हैं ना, तो ये चीज़ें, और सब्सक्राइब जरूर करना ठीक है चैनल को,
और लाइक भी कर देना, कमेंट जरूर करना, शेयर भी कर देना, जो हो सकता है मतलब कर देना, बस दबना नहीं है। ओके गाइस, बाय, टेक केयर। बाकी अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको भी डिटेल दे देंगे। अगर आपने प्लान करना हो कसौली जाने, एक दो जगह और है यहाँ पे घूमने के लिए, जो लोग कसौली के अलावा आसपास घूमना चाहते हैं ना, उनके लिए एक दो जगह और है, अगर आप जानना चाहते हैं कमेंट जरूर करना, वो भी आपको बता देंगे। ठीक है,